हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से मुझे मैसेज आया है कि सर, अलोक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा अपडेट कीजिए, उसके बारे में न्यूज़ के बारे में बताइए। बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आया कि सर, क्या इससे रिलेटेड जो केस था वो कम्प्लीट हुआ या नहीं। तो चलिए, मैं इसी से बारे में बात करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अलोक इंडस्ट्री का जो केस था वो अभी भी बरकरार है, पेंडिंग है, कोई कम्प्लीट नहीं हुआ है। बट उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो NSE ने 15 सितंबर को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी, और उस नोटिफिकेशन के उस न्यूज़ से वजह से आप देख सकते हो अलोक इंडस्ट्री में अपर सर्किट लगा है। लगातार दो ट्रेडिंग सेशन में अलोक इंडस्ट्री में मतलब ग्रीन, मतलब जो बोलते हैं बुलिश ट्रेंड था, और आज भी ये देख सकते हो आप 5% अप था और अपर सर्किट लग के ही क्लोज हुआ है। तो क्या ऐसी न्यूज़ थी, मतलब ऐसी क्या पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके वजह से अलोक इंडस्ट्री में ये अपर सर्किट लगा है? तो चलिए देखते हैं वो न्यूज़ क्या थी। डेफिनेटली न्यूज़ पॉजिटिव ही थी, तो चलिए देखते हैं। 15 सितंबर को ये न्यूज़ आई थी और आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि जो SBI का नॉमिनी डायरेक्टर था उसको अलोक इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वापस बुलाया गया है। तो सर, ये न्यूज़ है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसीलिए तो शेयर ने अच्छा इतना रिस्पॉन्स दिया है स्टॉक मार्केट में। तो क्यों ऐसा हुआ है, तो ये समझने के लिए आपको नॉमिनी डायरेक्टर का काम क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले नॉमिनी डायरेक्टर मतलब क्या, ये समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, डायरेक्टर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, वैसे ही नॉमिनी डायरेक्टर ये भी एक टाइप होता है। अगर आपको नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, मतलब बहुत ही डिटेल में, तो आपको कंपनीज एक्ट में जाके सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 वो पढ़ना पड़ेगा। कौन सा, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में जाके सेक्शन 161 में जाके सबसेक्शन 3 के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर का पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो चलिए मैं एक छोटा सा आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए कंपनीज एक्ट, आप जाओ, ये देखिए कंपनी, गूगल कर देना सेक्शन 161 कंपनीज एक्ट 2013। ये लॉ से रिलेटेड है, मुझे थोड़ा इसका नॉलेज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इसका सबसेक्शन 1 देखोगे, मतलब पॉइंट 1 देखोगे, तो आपको मिलेगा, ये रहेगा एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर। ये देखिए एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर पॉइंट 2 देखोगे तो ये मिलेगा आपको अल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर। ये देखिए अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, और ये पॉइंट 3 अगर आप पढ़ोगे तो ये मिलेगा आपको नॉमिनी डायरेक्टर का जो SBI ने अभी विड्रॉ किया। तो ये डिटेल पढ़ना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो नॉमिनी डायरेक्टर से रिलेटेड। तो अगर आपको डिटेल पढ़ना है डिटेल में, तो आपको सेक्शन 161 में जाके थर्ड पॉइंट सब सेक्शन 3 में जाके नॉमिनी डायरेक्टर से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को वापस कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो नॉमिनी डायरेक्टर का काम क्या है ये मैं बता रहा था। तो नॉमिनी डायरेक्टर का काम ये होता है कि देखिए, एक कंपनी होती है उसको पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो लोन लेती है, बराबर। अभी ये एग्जांपल में ही ले लीजिए कि अलोक इंडस्ट्री का, उसको पैसे की ज़रूरत थी इसलिए उन्होंने SBI से लोन लिया था। तो जो लोन प्रोवाइड करती है, SBI ने इतना भारी भरकम अमाउंट दिया था किसको, अलोक इंडस्ट्री को, तो SBI से एक बंदा जाएगा और अलोक इंडस्ट्री में काम करेगा एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल, तो उसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब जो उधार देगा, पैसा देगा, वहाँ से एक बंदा जाएगा उसी कंपनी में जहाँ पे उधार दिया है और वहाँ पे काम करेगा, और वो काम क्या करेगा, जो SBI उसको बताएगा, अरे देख जरा ये लोन कैसे काम कर रही है कंपनी। तो ये इसी से रिलेटेड ये नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं कि वो जो SBI बोलती है वो चेकआउट करते हैं। अभी जो प्रोसीडिंग फ़िलहाल जो चल रही है वहाँ पे, मतलब जो नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा SBI का, उसको बताया रहेगा ये चीज़ चेक करते जाओ और मुझे अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करते जाओ। तो नॉमिनी डायरेक्टर का वो काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए SBI ने उसको वापस बुलाया है। तो एक बहुत ही अच्छी साइन है, शायद से अभी आने वाले टाइम में कोर्ट का रिजल्ट जल्दी आने की संभावना हो सकती है। इसी से रिलेटेड ये इसमें बाइंग बढ़ी थी और इसीलिए ये अभी लगातार दो दिन के बाद अपर सर्किट में क्लोज हो रहा था। तो ये है एक्चुअली रीज़न कि नॉमिनी डायरेक्टर को वापस बुलाया गया। तो उसका जो मतलब इम्पैक्ट है, ये शेयर के ऊपर गिरा है। आप देख सकते हैं आप कि आज भी ये अपर सर्किट लेके ही क्लोज हुआ है। तो अभी मेरा क्या व्यू है इस, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास इसका शेयर है तो बेशक इसको होल्ड कीजिए। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो मैं तो सलाह देता हूँ कि प्लीज़ ऐड मत कीजिए। जितनी क्वांटिटी अभी आपके पास है प्लीज़ उतनी ही रख लीजिए, क्योंकि कितना भी हो आखिर में ये कोर्ट का मैटर है, हम कह नहीं सकते स्पेसिफिकली कि कितना टाइम लगे आने वाली, चाहे 10 दिन में भी हो सकता है या फिर और आगे भी टाइम लग सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास जितने शेयर रहेंगे उतने ही रखिए, और क्या होता है वो देखते हैं।
बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ऐसे, अभी IBC कोड में ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसे मिलेंगी अपॉर्चुनिटी जो नीलाम होती है, और अगर उसको कोई अच्छी कंपनी एक्वायर करने आती है, मतलब रिलायंस इसको खरीदने आई थी इसलिए ये शेयर में एक पॉजिटिविटी बनी है, तो आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर बेस्ट अभी का प्रेजेंट एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ तो JP एसोसिएट भी आपको पता है कि NCLT के अंदर एप्लीकेशन उसका भी अभी IBC के द्वारा अभी नीलामी शुरू होने वाली है, तो वो भी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, मतलब उसका बहुत सारा असेट है, तो उसको भी शायद से कोई तो ख़रीदने के लिए आ जाएगा, और उसको भी कोई तो ख़रीदने के लिए आएगा तो फिर वो भी शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पर हालांकि उसमें पोजीशन मत लेना, क्योंकि कोई भी अभी अभी तक ऐसा कोई सामने से आया नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, उसको वापस बुलाया इसीलिए ये शेयर इतना क्यों दौड़ा है, तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिली होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और हाँ अगर इस चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।